नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोना हम भारतीयों का सबसे पसंदीदा निवेश रहा है। मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं आपको। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आम पब्लिक के पास करीब 2,70,00,000 किलो सोना है और ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। हर किसी के पास थोड़ा ही सही सोने में निवेश जरूर होगा। आज हम सोने पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने का भाव करीब 2,500 रुपए तक गिर चुका है। यही नहीं, 19 जून यानी कि सोमवार से सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आने वाला है। ऐसे में इस पर चर्चा तो जरूरी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गोल्ड की कीमतों में पिछले एक महीने में लगातार गिरावट का दौर जारी है और ये अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 2,500 नीचे चल रहा है। मई में दाम प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 62,000 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन मौजूदा समय में ये 59,500 के आसपास चल रहा है। तो क्या गोल्ड में निवेश का ये सही समय है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वहीं बड़ी बात ये भी है कि गिरावट के बावजूद गोल्ड की कीमतों में इस साल 17% की तेजी रही है। फिलहाल तो एक तरफ गोल्ड के दाम में आई गिरावट, पर कुछ जानकार इसमें अभी और करेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा का कहना है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतें भले ही कुछ और गिरें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कीमतें एक बार फिर रफ्तार पकड़ेंगी। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर गोल्ड की कीमतों में इस गिरावट की वजह क्या है। दरअसल अमेरिकी फेड की बढ़ी हुई ब्याज दरें गोल्ड की कीमतों में सुस्ती लाने की एक बड़ी वजह है। आने वाले दिनों में फेड की बढ़ी हुई ब्याज दरें कम होने की उम्मीद नहीं है। तो क्या माने कि गोल्ड की कीमतें कुछ और गिर सकती हैं? गोल्ड की कीमतों की कमजोरी की एक और वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की ओर से सोने की खरीदारी में आई कमी है। फिलहाल तो अमेरिकी डेट सीलिंग संकट टल गया है, मंदी की आशंका कम हुई है। इसके चलते भी गोल्ड पर दबाव बन रहा है और हाल के दिनों में कीमतें घटी हैं। वहीं गोल्ड में खरीदारी की बात करें तो हाल के दिनों में इसमें निवेश का तरीका बदला है। लोग ज्वेलरी के बजाय गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना प्रेफर कर रहे हैं। एक तो इसमें रखरखाव की कोई चिंता नहीं होती, वहीं गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% का गारंटीड रिटर्न मिलता है, सो अलग। इसी कड़ी में आरबीआई 19 जून से 23 जून के बीच में गोल्ड बॉन्ड जारी कर रहा है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 8 साल की होगी, लेकिन 5 साल के बाद बॉन्ड से बाहर निकलने का विकल्प है। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ग्राहक को मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL, डाकघरों के जरिए भी खरीदा जा सकता है। फिलहाल तो गोल्ड की कीमतें काफी हद तक बैंकिंग संकट, मंदी की आशंका, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर में गिरावट, महंगाई और जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसे में गोल्ड में निवेश सुरक्षित तो है, लेकिन सही समय क्या होना चाहिए इसे लेकर कुछ संशय जरूर है। ठोस स्ट्रैटेजी के साथ इसमें निवेश करें तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका शो पर। और हमारे साथ है गजल जैन जो कि फंड मैनेजर हैं क्वांटम AMC की। गजल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, और सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे आज, ये हमारे शो का टॉपिक है सर, इसी को इलैबोरेट कर दीजिए। सोना गिरा लेकिन मौका कितना खरा? दीपक जी नमस्कार। मेरे हिसाब से देखिए, सोना जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में कहा कि इंडियंस को एक बहुत बड़ा प्रेम है फिजिकल एसेट से, बोथ रियल एस्टेट एंड गोल्ड। और गोल्ड की मात्रा हम सबसे बड़े इंपोर्टर्स रहे हैं फॉर डेकेड्स, और जो ग्लोबल रिटर्न आई है गोल्ड की वो इतनी अच्छी नहीं रही है। ऑफकोर्स इंडिया में अगर हम रुपी में तुलना करें और उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी सब ऐड करते हैं तो रुपी में काफी बढ़त देखने को मिली है, नॉट बिकॉज ऑफ ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जैसे आपने कहा कि भाई इसमें इस समय में अच्छा खरीदने की अच्छी समय है कि नहीं है, मेरे हिसाब से है डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप लास्ट 3-4 साल की रिटर्न देखेंगे, पोस्ट कोविड जो रिटर्न आई है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो फ्यूचर परफॉर्मेंस की संभावना ज्यादा अच्छी होती है। और जो शॉर्ट टर्म करेक्शन मिला है
और उसके 1 ईयर के एवरेजेस पे वापिस पहुंच गया है. सो इट्स ऑफ कोर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. पॉइंट टू. पॉइंट थ्री, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खरीदने की नहीं है, कन्वर्ट करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. जो फिजिकल एसेट्स हैं आपके पास, आपके कमरों में, आपके तिजोरियों में जो गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड बार्स हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ कोर्स एक यूटिलिटी वैल्यू रखते हैं, उनको छोड़ के जो भी गोल्ड का फॉर्म है अगर उसमें तब्दीली कर देते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट, और अगर हम वो टैक्स फ्री, जो रिपोर्ट में भी बताया आपकी कोलीग ने दीपक जी, वो टैक्स फ्री की वैल्यू ऑलमोस्ट अबाउट 1.5-2% होती है पर एनम. तो 4-4.5% का एक्स्ट्रा इजाफा रिटर्न में पर एनम कंपाउंडेड बहुत बड़ा होता है. एक मिनट की भी देरी ना करें, फिजिकल को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करना तो अनिवार्य है. ओके, तो आप कह रहे हैं कि खरीदारी से ज्यादा ये मौका है कन्वर्ट करने का. ऑलराइट, गजल जी क्या आप भी सहमत हैं? ये मौका आप किस तरह से देख रहे हैं गोल्ड खरीदारों के लिए? तो वैसे तो गोल्ड का आउटलुक में कोई ग्रेट चेंज नहीं आया है ये लास्ट फेड की मीटिंग से, पर क्योंकि फेड ने एक रिन्यूड हॉकिशनेस दिखाई है, हमने देखा है कि प्राइसेस थोड़े करेक्ट हुए हैं, गोल्ड को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं फेड और यूएस इकोनॉमी से, तो ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा इन्वेस्टर्स को गोल्ड में खरीदारी करने का. हम एक थोड़ा प्रॉब्ली एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स. ऑफ कोर्स डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा क्योंकि बहुत ही फैक्टर्स गोल्ड की फेवर में है, चाहे वो स्टिकी इन्फ्लेशन हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पर एक सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी या डाउनसाइड आ सकता है एंड इसलिए इन्वेस्टर्स को एक बाय द डिप्स स्ट्रैटेजी अभी अपनानी चाहिए. लमसम या अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, SIP या स्टैगर्ड या सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि जबकि फेड ने बोला है कि वो 2 और रेट हाइक्स करेंगे, मार्केट्स का रियल क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या फेड के पास एक्चुअली इकोनॉमिक हेडरूम है इतनी रेट हाइक्स करने का, और अगर ये होता है तो फेड ओवर टाइटन करने का रिस्क ले रही है, और जब वो होगा हम एक रिस्क एसेट्स में करेक्शन या रिस्क अवर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड उस समय गोल्ड एक बहुत ही रेलिवेंट एसेट क्लास रहेगा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए. तो अगर आप एक करेक्शन अभी देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिन्यूड हॉकिशनेस जो फेड ने परसों दिखाई है, इन्वेस्टर्स को उस मौके का फायदा उठा के अपना गोल्ड एलोकेशन बढ़ाना चाहिए. ओके, गोल्ड एलोकेशन बढ़ाना चाहिए. फिरोजी, अभी जैसे फेड ने भी कहा है कि भाई छोटी छोटी हम बढ़ाएंगे लेकिन 2 बार और बढ़ाएंगे, इसका सीधा सीधा असर जो है वो गोल्ड पर पड़ता है, तो क्या हम ये उम्मीद करें अभी कि ये थोड़ा सा गिरावट का दौर अभी जारी रहेगा या उतार चढ़ाव रहेगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीजन आने वाला है, लोग अभी से निवेश के मौके ढूंढने लग जाते हैं, एक विंडो ढूंढ रहे होते हैं वो. दीपक जी, मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक एक रिटेल निवेशक को इतना टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हम गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा नहीं है. अगर आप हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी देखें इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इतनी नहीं है, निफ्टी से 20-30% कमी है और उसकी नेगेटिव कोरिलेशन भी है. सबसे बड़ा प्रश्न एक निवेशक को ये पूछना चाहिए कि मैं खरीद क्यों रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए एक प्रोटेक्शन एसेट है या ग्रोथ एसेट है. अगर 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स अगर हम इस सेंचुरी की देखें गोल्ड की रुपीज में 9.3% है. अगर 9.3% की रिटर्न है, इट इज क्लोजर टू डेट रिटर्न देन एक्विटी रिटर्न. सो इट्स अ प्रोटेक्शन एसेट. अगर मैं प्रोटेक्शन के लिए खरीद रहा हूं ये एसेट, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक शॉक अब्सॉर्बेंट के लिए, मेरी पोर्टफोलियो में कार में जैसे शॉक अब्सॉर्बर होता है वैसे ये अगर शॉक अब्सॉर्बर का काम कर रहा है तो इतनी टाइमिंग की आपको जरूरत नहीं है. ऑफकोर्स फेड रेट चेंज कर सकता है तो 5% की गिरावट मिल सकती है. एक रिटेल निवेशक खरीद कितना लेगा? सो पॉइंट टू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट वरी टू मच अबाउट फेड. पॉइंट थ्री, एक अगर आपको एक करेक्शन मिलता है 5-7% का, दैट्स ऑलवेज अ गुड टाइम, और उसको कोइंसाइड भी होना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इश्यूएंस के साथ, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में इलिक्विडिटी इज पैरामाउंट, मतलब बहुत इलिक्विडिटी है, यू नॉट गेटिंग स्टॉक एट द राइट प्राइसेस. तो ये अगर समझो कि 2 महीने बाद गिर भी जाता है प्राइस, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कोइंसाइड नहीं हुआ तो क्या करें? So I personally think that not too much downside. So don't worry, इतना ज़्यादा फिकर करने की ज़रूरत नहीं है एक रिटेल निवेशक को. और प्रोटेक्शन एसेट खरीद रहे हो आप from a 3-5 year perspective, तो ज़्यादा volatile नहीं है एसेट.
ओके ऑल राइट गजल जी, आगे की ट्रैजेक्टरी कैसे रहने वाली है? मैं थोड़ा सा मैं बड़े पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, खासतौर से 2 साल में अगर हम देखें, 2022 में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें लगभग सपाट थी, फिर रुपए की कीमतों में गिरावट हुई, बहुत सारे फैक्टर्स आए, उसके बावजूद ठीक ठाक सा रिटर्न दिया ये कहा जाता है। हालांकि फिरोज भाई कह रहे हैं अभी कि उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आया रिटर्न 10-14% के आसपास जो है वो मार्च तक का अनुमान लगा रहे थे लोग कि तब तक आ चुका था। अभी आगे की ट्रैजेक्टरी क्या होगी? क्या निवेश के लिए बेहतर मौका अभी बना हुआ है या छोड़ दें कहीं दूसरी जगह चले जाएं? जी देखिए, 2022 में जो गोल्ड डोमेस्टिक गोल्ड रिटर्न्स आए थे वो मेनली रुपी के डेप्रिसिएशन के वजह से आए थे, क्योंकि इंटरनेशनली गोल्ड बहुत मूव नहीं किया था, फ्लैटिश था आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द ईयर, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने एक इंटरेस्ट रेट हाइकिंग साइकिल वहां चालू किया जो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर में एक स्ट्रेंथ आई थी। पर रुपी डेप्रिसिएशन के कारण इंडियन इन्वेस्टर्स ने ये जो 15% के आसपास रिटर्न्स की आप बात करें वो उन्होंने देखे। 2023 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस का आउटलुक हमें बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इसके कारण ये है कि एक साल में 500 बेसिस पॉइंट्स प्लस की इंटरेस्ट रेट हाइकिंग करने के बाद फेड ने इन्फ्लेशन 9.1 के आसपास से अराउंड 4% तक ले आए हैं, राइट? ये इन्फ्लेशन अब बहुत मॉडरेट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फेड की टाइटनिंग साइकिल अगर एक एंड के आसपास है, चाहे हाइक और आ जाए 25 बेसिस पॉइंट की, बट द एंड इज नियर। जब वो होता है तो हम एक एक्सटेंडेड पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेड से, जिसमें गोल्ड विल अगेन बेनिफिट, क्योंकि वो नेक्स्ट लेग ऑफ मॉनेटरी साइकिल एक्सपेक्ट कर रहा होगा। और नेक्स्ट लेग क्या है कि एट सम पॉइंट अगर ग्रोथ में सेटबैक आता है इतनी सारी रेट हाइक्स के कारण और ग्रोथ में एक स्लो डाउन आता है, तो फेड विल अगेन यू नो हैव टू हेल्प द इकोनॉमी। वो कैसे हेल्प करते हैं? यूजुअली हिस्टोरिकली उन्होंने रेट कट्स का सहारा लिया है या इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने की कोशिश की है। जब वो रेट कट्स आएंगे तब गोल्ड अगेन एक फंडामेंटल कारण, क्योंकि हम वापस डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स में एक वीकनेस देखेंगे, तो गोल्ड एक बहुत रेलिवेंट एसेट क्लास रहेगा, क्योंकि रेट कट्स आने के पहले जो वॉलिटिलिटी या इकोनॉमिक शॉक या रिस्क अवर्जन मार्केट्स में रहेगा, तब रिस्क एसेट शायद नहीं अच्छा परफॉर्म करें, और तब इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है उनका डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। All right. इस वक्त हमारे साथ एक जी, मेरा जी। ये कहना है कि अभी जो प्राइसेस में अगर आपको डिप्स मिलते हैं तो गुड टाइम्स, बिल्ड योर एलोकेशन 15-20%, ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगा, क्योंकि फैक्टर्स चाहे स्टैगफ्लेशन जैसे सिनेरियो हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, वो गोल्ड को या सेंट्रल बैंक बाइंग हो, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट थोड़ा डाउनसाइड मिलेगा तो उन डिप्स को बाय करिए और गोल्ड को होल्ड करिए, क्योंकि इवेंचुअली फेड की हॉकिशनेस विल रन आउट ऑफ स्टीम एंड वी विल सी यू नो कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर गोल्ड। बिल्कुल, यानी कि अभी गोल्ड को एक तो होल्ड करना है, दूसरा डिप साइड पर जो भी विंडो मिलती है वहां पर बाय करने की सलाह है। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र लूनिया जी जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। बहुत बहुत स्वागत है लूनिया सर, जो कि चेयरमैन है विघ्नहर्ता गोल्ड के। लूनिया सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों के लिए, ये जो गिरावट है सोने में ये कितनी टिकाऊ आप मान रहे हैं, अभी अच्छी विंडो है या वेट करें सर? मेरे हिसाब से ये अभी अच्छी विंडो है जहां पर से आपको बाइंग करनी चाहिए या आपकी बाइंग शुरू भी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, पिछली बार भी जब अपन बात कर रहे थे, 1,500 रुपए से ज्यादा गिरेगा नहीं, ऐसा मैंने पिछली बार भी कहा था, और यही मैं आज से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया डीप आ सकता है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता है। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, अपना बाइंग करिए, और यहाँ पर से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा अपमूव आपको दिखेगा, जो गोल्ड के रेट को एक साल के अंत तक 68,000 तक का भी रेट मिल सकता है आपको। कोई प्रोजेक्शन है सर कि कितने दिनों की या कितने हफ्तों की विंडो है जब तक कि अपवर्ड्स हम ट्रैजेक्टरी देखें? एक ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिनों की एक विंडो मिल सकती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दबाव में रहेगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की डिमांड अभी फिर से बढ़नी शुरू हो गई है।
जहां तक कि अमेरिकन फेडरल्स के भी अभी जो इश्यू चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। बट सर, फेड ने कहा है कि हम दो बार और बढ़ोतरी करेंगे, तो लोगों को सुरक्षित निवेश के रूप में क्या गोल्ड नहीं भाएगा फिर दबाव जब वहां से आएगा? तो यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि दबाव आएगा तब ये तो गोल्ड के रेट बढ़ते दिखेंगे आपको, और वो ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिनों में दिखते हुए नजर आएंगे कि गोल्ड के रेट आपको फिर से आप मुंह आते हुए दिखेंगे। ओके ओके, तो यानी कि अभी 15 दिन की विंडो जो है लूनिया साहब बता रहे हैं जो लोगों के पास है, उसके बाद अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए, आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिरोजी, थोड़ा सा हमें एक बिगर पर्सपेक्टिव में तस्वीर दिखाएं। हमने देखा कि क्योंकि सोना वैसे भी एक ऐसी एसेट क्लास हमेशा से कहा जाता है पारंपरिक रूप से, जो कि एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में लोग देखते हैं। वित्तीय प्रणाली में कोई भी अस्थिरता आती है, लोग सोने की तरफ थोड़ा सा रुझान देखते हैं, भरोसा जताते हैं। अभी कुछ टाइम से हमने देखा सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, फिर क्रेडिट स्विस का एक संकट आया था, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी हैं, तो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया सोने में जाना। आप थोड़ा सा बताएंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस वक्त क्या है, जो ये संकट थे, जो आशंकाएं थी, क्या वो छटी हैं, और इसमें फिर निवेश के रूप में सोने के विकल्प की क्या स्थिति है? दीपक जी, अगर हम ग्लोबली देखें तो आई पर्सनली थिंक जो भी रिस्क एसेट्स में जो भी रिस्क थे वो सिंक इन हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी फरवरी 2022 से जो चलती आ रही है वो सिंक इन हो चुकी है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जो इन्फ्लेशन की रिस्क थी, जैसे गजल मैडम ने भी कहा कि काफी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, काफी सारी कंट्रीज की अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। तो आई पर्सनली थिंक दैट जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल ग्लोबली देखने को मिलना चाहिए था गोल्ड को, वो इतना मिला नहीं है इंस्पाइट ऑफ सच रिस्क ग्लोबली। मैं 3-4-5 महीने पहले यूएस गया था फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू करने के लिए, $7 trillion के फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू किया ऐसे ही पूछने के लिए कि वो क्या सोचते हैं कि यूएस रिसेशन में जाएगा कि नहीं, क्योंकि और इंडिया की तरफ उनका क्या क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये देखने को मिला कि रिसेशन की संभावना के बावजूद जो ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस है उसमें इतनी अपलिफ्ट नहीं मिली है, पॉइंट थ्री बोल रहा हूँ। सो पॉइंट फ्रॉम पोर्टफोलियो स्टैंडपॉइंट 15-20% जैसे गजल जी कह रही थी, एक गोल्ड में डेफिनेटली एक इंसान निवेश कर सकता है, एक निवेशक निवेश कर सकता है, क्योंकि उसकी इक्विटी से हमने कोरिलेशन देखी, तालमेल देखा, और इसकी जो कोरिलेशन आई -0.01 आई, तो ना के बराबर कोरिलेशन है। तो इक्विटीज एंड गोल्ड की जो बैलेंस करने की संभावना है वो काफी अच्छी है। लास्ट 5 सालों में हमने ये देखा कि इक्विटीज जब 10% से ज्यादा गिरी उसमें 6 बार out of 7 times गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 5% का। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर की जो हाइपोथेसिस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो 15-20% की गोल्ड डेफिनेटली आप रख सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ ग्रेट गिफ्ट, 4.5%। तो निवेश के लिए प्रोडक्ट चॉइस सबको सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आप ऑफकोर्स ETF का यूज कर सकते हैं, फंड का यूज कर सकते हैं। सो गोल्ड बिल्ड करें, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मैं ये समराइज करना चाहूंगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इतनी अहमियत इंडियन इन्वेस्टर नहीं दे रहे जितनी उसको देनी चाहिए, बिकॉज 4.5% कंपाउंडेड बेनिफिट इज कांट बी लेफ्ट। एक ही फ्री लंच है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, उसको ना छोड़ें। ओके, तो ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ाएं, जानकारी भी बढ़ाएं, ये सलाह है आम निवेशकों के लिए फिरोज जी की। थोड़ा सा एक और बिगर पर्सपेक्टिव में मैं आपसे गजल जी पूछूंगा। हमने देखा कि 2022 में तो खैर रिकॉर्ड साल रहा जब सेंट्रल बैंक्स ने भी सोने में खूब निवेश किया। अभी मैं कुछ हफ्ते भर पहले के जो डेटा देख रहा था कि RBI का ही जो गोल्ड रिजर्व है वो 40% बढ़ गया है पिछले 5 सालों में। तो जब सरकारों के स्तर पर गोल्ड की खरीदारी होती है, उनका रुझान बढ़ता है, तो क्या वो एक रिटेल निवेशक को किसी तरह का रिफ्लेक्ट करता है या दामों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, या वो एक अलग कहानी है? नहीं जी, बिल्कुल। सेंट्रल बैंक बाइंग अगर इतनी रोबस्ट रहे जैसे 2022 में हमने 1100 प्लस टन्स का सेंट्रल बैंक बाइंग देखा, एंड
2023 में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देखा है, ग्लोबली 115 टन्स का बाइंग हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो ये डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को एक सपोर्ट देते हैं सेंट्रल बैंक बाइंग। एंड अगर आप रीजंस देखें सेंट्रल बैंक क्यों गोल्ड की तरफ अपना पोर्टफोलियो इन अ वे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हम देख रहे हैं ओवर द लास्ट वन ईयर, इन्फ्लेशन सिचुएशन ग्लोबली, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, अभी मॉडरेट होता हुआ दिख रहा है, बट ये इन्फ्लेशन सिचुएशन बहुत स्टिकी है। और ऑल्सो हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली एक डॉलर डाइवर्सिफिकेशन को एक ट्रेंड हमें होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब यूएस ने रशिया के एसेट्स को, डॉलर एसेट्स को फ्रीज किया, बहुत कंट्रीज को ऐसा लगा कि हमें अपने एसेट्स पे एक ऑटोनॉमी चाहिए, और उसका ये तरीका है कि हम अपने पोर्टफोलियो में डॉलर एसेट्स कम रखें, गोल्ड रखें। तो इसलिए ये जो मोमेंटम है, ये जो डॉलर डाइवर्सिफिकेशन अवे का जो ट्रेंड है, ये हमें लगता है बरकरार रहेगा, और इसीलिए एक सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस को सेंट्रल बैंक बाइंग से बना रहेगा। बिल्कुल, यानी कि सरकार हो या आम निवेशक, चिंताएं एक जैसी होती हैं, इन्फ्लेशन की हो, अनसर्टेनिटीज की हो, एक सुरक्षित निवेश का विकल्प हो, हर जगह कमोबेश सोच एक जैसी होती है, और इसीलिए उसका असर हम देखते हैं जो नंबर्स दिखते हैं बाइंग के। लुनिया सर, एक सवाल आपसे, अभी तो हम कह रहे थे कि किस जगह पर निवेश करें, आप गोल्ड ETF में जाएं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाएं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाएं, डिजिटल में जाएं, फिजिकल गोल्ड में जाएं, फिरोज जी कह रहे हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाइए, अभी तक लोग उतना ज़्यादा रुझान नहीं दिखा रहे लेकिन जाना चाहिए, आपकी सलाह क्या होगी सर, कौन सा सबसे बढ़िया निवेश का विकल्प है इन सब में से? मैं फिरोज जी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि फिरोज जी ने जो बताया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, इसे हम भी बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। उसका कारण भी सीधी सीधी बात ऐसे है कि जो गोल्ड के जो फायदे हैं वो तो उनके, यानी कि रेट जो बढ़ते हैं उसके फायदे तो उनको मिलते ही है, साथ में ऊपर उन्हें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। दूसरी चीज, जब आप खरीदते हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, आपको कोई GST नहीं देना पड़ता है। जब आप गोल्ड बेचते हो तो आपका रेट का डिफरेंस नहीं होता है, जो मार्केट का रेट है वो आपको पूरा की पूरा मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आप अगर आपने खरीदा, यस उसे 8 साल का या 5 साल का लॉक इन है, 5 साल के बाद आप बेच सकते हो, लेकिन आज के डेट में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आप आज खरीदने के बाद दूसरे तीसरे 8वें दिन 5वें दिन जब चाहो तब, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब आप मार्केट में उसे ट्रेड कर सकते हो, बेच सकते हो, और आपकी जरूरत है तो आप उसे पैसा इमीडिएटली मिला सकते हो। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आज आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में पैसे डाल दिए और आपको 5 साल 8 साल तक रुकना है, जब भी आपको जरूरत है आप उसे इमीडिएटली बेच सकते हो। हाँ, अगर आपको बेनिफिट लेना है टैक्स का तो आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, लेकिन उस दौरान भी अगर आपको पैसों की जरूरत है तो बैंक्स आपको उसके ऊपर ब्याज देती, सॉरी कर्जा देती है। अगर आप उस कर्जे को और मिलने वाले ब्याज को अगर आप आमने सामने रखो तो आप महज 5% से आप पैसा चंद दिनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ये सभी चीजें हैं आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को अट्रैक्ट बनाती है, डिजिटल गोल्ड को अट्रैक्ट बनाती है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। तो यानी कि अगर सम अप करें आज के शो को, तो एक तो मौका, हमने पूछा था सोना गिरा मौका खरा, तो जवाब है जी हाँ, मौका खरा है, और इस समय अच्छी विंडो है, विंडो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, संभवतः 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते, तो 15-20 दिन का वक्त है। विकल्प की जहाँ तक बात है, एक और चीज़ कि जो अगर डिप आए तो उसमें भी बाय करने की सलाह गज़ल की थी, और कौन सी जगह पर किस रूप में सोने में निवेश करें, तो नंबर 1 जो पैनल की पसंद आई है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने आपको बताया कि सोने में गिरावट का आउटलुक क्या है और कैसे कैसे मौके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, महेंद्र लुनिया सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, गजल जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।